अच्छा आलू बंडा बना रहे हो? मौसम अच्छा था तो। आलू बंडा और सूजी के पकौड़े दोनों बना रहे हो? ओके जी बाय बाय। वेलकम है जी आपका एक और डेली व्लॉग में, और आज हम लोग कर रहे हैं वेजी बाजी का चैलेंज। अगले हफ्ते ट्रैवल करना है, उदयपुर जाना है, तो उसके लिए कुछ कुछ काम निपटाने वगैरह पड़ेंगे। दिन चालू करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रहेगी। आप वीडियो को लाइक कर दो और मैं अपना शूट का काम वगैरह करता हूँ। गुड आफ्टरनून, क्या चल रहा है? आइए सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। पानी बोतल भरने आया हूँ, क्या करने आया? मम्मा को लस्सी देने आया हूँ। यार लस्सी? हाँ यार, तू ब्लॉग में बोल रहा था कोई पीता नहीं, क्या याद रखेगा, मैं भी पीता हूँ। ला यार तेरी देख के प्रोटीन वाली लस्सी। ब्लॉग में बोल रहा था उस दिन बड़ा, ये लस्सी मैं पीता हूँ यार, घर में कोई नहीं पीता। मैंने कहा यार चल यार, तू क्या याद रखेगा, ये लस्सी काटो और इसमें डाला जाए। आप बैठिए, आपके लिए लेके आया जाए। प्रोटीन खट्टी होती है थोड़ी, खट्टी ज्यादा ना, पानी के साथ ठीक रहती है, डाइल्यूट कर दो। नहीं खट्टी नहीं, वो केजिन का टेस्ट आ रहा है, फ्रेग्रेंस भी उसकी जो होती है ना, मिल्क प्रोटीन होती है, उसका नाम है केजिन। पानी डाल दूं? कैसे पियोगे? मक्खन आ गया, उसका मक्खन बना हुआ है, ठंडा पानी पीता नहीं, और टेस्टी है यार, नो डाउट। मसाला छाछ का अपना टेस्ट है, प्लेन हो, अमूल की प्लेन आती है, मदर डेयरी की भी प्लेन छाछ आती है, वैसी ही है। इसमें आपको मसाला चाहिए? मैं मसाला बना दूं? मैं आपको फ्रेश मसाला बनाऊंगा, आप साड़ी के लिए आए हो। पुराने जमाने का गाना गली से याद आया, मतलब हमारे से भी पुराने जमाने का, हमारे मगत में दादू दादी के जाने का बड़ा हिट गाना सी रामचंद्र, गोरे गोरे बंक के छोरे कभी मेरी गली आया करो। ब्लॉग भी अपलोड हो रहा है ना, पानी डाल के ना, मैं बताऊं तेरे को। हां डाइल्यूट हो गई है पानी, ने मेरे को ना वो गाड़ी गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो रख दो फिर। हां नहीं पी रहा हूं अब मैं, लेकिन उसका टेस्ट ज्यादा बढ़िया था। चलो जैसे आपको ठीक लगे। आई लाइक दैट, मैं आगे से पानी नहीं डालूंगा, जब भी पीऊंगा हैंस फोर्थ, हैंस फोर्थ। ओके सर, बाय जी, बाय बाय, टाटा बाय बाय। मतलब आप इसको डेली पियोगे? नहीं प्रभा नहीं पीता भाई, तेरे कार्टन में से वो ना ना, मेरा तो कार्टन खत्म हो रखा है, मैंने मंगवा रखा है। 3 किलो ऐसे उठाता है तू, 3 किलो कार्टन? 3 किलो नहीं है वो भाई, 30 पैक × 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो 6 किलो हो गया अप्रोक्सीमेटली। 3 और 6 में फर्क है अप्रोक्सीमेटली। अरे वाह, कल इसमें मैंने पत्तों में ऊपर से पानी डाला था, पर यहाँ पे एक नया नया फूल खिल के आया है, ब्यूटीफुल। आज मम्मा ने भी फैमिली ग्रुप में फोटो भेजी है, मम्मा का भी बगीचा खिल चुका है। मौसम आज फिर से बारिश वाला हो रखा है, कल बारिश नहीं हुई, जब परसों हम लोग घूम रहे थे मैं और कामाक्षी तब बारिश हो रही थी, आज मेरे को लग रहा है आज फिर से वो बारिश हो जाएगी। मामा मेरे बगीचे में भी फ्लावर आ गया एक। अब तो भैया निकल गया समय, गाड़ी निकल चुकी है। तो ये आपने फोटो कब की भेजी थी? इसका नाम है दोपहर खिड़ी, पंजाबी में दोपहर खिड़ी, दोपहर के टाइम पे खिलती है, पंजाबी में खिलने को खिड़ी कहते हैं। तो ये बस जब धूप चली जाती है ये फूल अपने आप जो है दोपहर में खिलते हैं, और 12 बजे के बाद ये अपने आप मुरझा जाते हैं, कल सुबह फिर देखना खिल जाएंगे। अच्छा, इसीलिए इसका नाम है दोपहर खिड़ी। वाह यार, एवरीडे यू लर्न समथिंग न्यू। हां शूट करके आके सो रहा था मैं, छोले भटूरे खा के आके सोएगा ना, लस्सी पी के। आजकल वो नहीं है, पाइवे थ्रेड्स उस पर भी डाला था मैंने, छोले भटूरे खा के बड़ी मस्त नींद आती है। मम्मा यार ये तो बड़े सही है आपके, ये फ्लावर्स टेक्नोलॉजी फ्रेंडली फ्लावर्स। फिर उसके बाद भाई आया, भाई रोज आके चेक करता है। अच्छा वेरी नाइस। बाल कटवाने का टाइम आ चुका है, एक्चुअली इस बार बढ़िया चल रहे। अरे ये भी आ चुके हैं भाई, पापा को बहुत पसंद है, पर अभी पापा के ना, पापा ने मना करा, अभी बाद में खाएंगे। हर जगह दिखने लग गए, हर जगह देसी भुट्टे। अच्छा पापा को कैसे वाले भुट्टे पसंद है ना, जो एकदम पक्का दाना होता ना, ये आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं ना पिछले कुछ सालों से, वो दूधिया मिलते हैं, तो दूधिया में वो टेस्ट सस्ता नहीं आता। एनीवे हेयर कट करवाने का टाइम आ चुका है, कल की भैया से अपॉइंटमेंट मिली थी, अब भैया का फोन आया
कि आ जाओ, मेरा क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया है। मैंने बोला ठीक है, वाई नॉट, मेरे को तो कल थोड़ा निकालना ही पड़ता, टाइम निकालना पड़ता, आज आई कैन मेक इट वर्क, मेक इट हैपन। हाँ तो अब मैं जा रहा हूँ डीसी चौक बाल कटवाने, और उसके बाद फिर वेजी बाजी की वीडियो का एंड भी करना है। घर आते आते आराम से 8:30 बज जाएंगे, तब तक डिनर भी कर लूँगा। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हेयर कट करवाने की कोई इस बार नीड नहीं लग रही थी, बट वो क्या रहता है ना कि ट्रिप पे जाना होता है, थोड़ा सा बंदा ना अगर सही से रहता है तो, अगर थोड़ा सा अच्छे से रहता है ना, मेरे को सही रहता कि एक हाथ मार के अगर बाल सेट हो जाए ना, वैसे वाली हेयर कट करवा लूँगा अपना। और वेल ग्रूम्ड, मतलब शूट्स वगैरह होते हैं, वेल ग्रूम्ड अगर रहता है ना तो बंदा खुद को ही अच्छा लगता है। यार मुझे ना ये वाला स्काई बहुत पसंद है, मतलब द सनसेट डस्क स्काई ना, सो रोमांटिक एंड मतलब सो इमर्सिव। सुबह का स्काई जो है, मतलब दिस इज लाइक एंड सो पीसफुल ऑल्सो। सुबह का जो डॉन का टाइम होता है ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। इट्स लाइक कि आप उठ जा, अब बस हो गया, उठ, एनर्जी का टाइम हो गया। एंड दिस इज लाइक, वो इतना सा है, वो धीरे धीरे बंद होते रहेगा ऐसे, वो जैसे वो नहीं आर ग्लास नहीं चलता, टाइमर धीरे धीरे बंद हो रहा है, आपकी नेचुरल बॉडी की एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है जैसे जैसे रात हो रही है। काफी भर भर के ज्ञान हो गया ना, आई नो। अच्छा, आलू बंडा बना रहे हो? मौसम अच्छा था तो आलू बंडा। और वो क्या बना रहे हो? सूजी के पकौड़े। आलू बंडा और सूजी के पकौड़े दोनों बना रहे हो? थोड़े थोड़े बना रहे हैं बस। अब बारिश आज हुई तो है नहीं, पर क्या पता आपके इस क्या बोलते हैं एक्ट के बाद बारिश हो जाए। और ये दाल किसकी है? दाल भाई की। अच्छा जी, सिंपल सी दाल, वाइट सी चने की दाल। आज इसमें बनाई है? नहीं बनाई तो कुछ वैसे तड़का मार रहा है। अच्छा, तड़का मार रहा है। और ये बन रहे हैं आलू बोंडे। जब हम लोग छोटे होते थे ना, तब हम लोग बड़ा पाव नहीं खाते थे, हमें आलू बोंडा ही पता होता था, है ना? बड़ा पाव बोल लो, बटाटा बड़ा तो बहुत बाद में जाके पता चला है, जब बड़े हो गए थे, ऐसे बहुत छोटे होते थे, आई थिंक सेकंड थर्ड में आप देते थे ना ऐसे आलू बोंडे। और कभी कभार ऐसे भी होता था, ब्रेड रोल में होती थी घर में, तो ब्रेड बच जाती थी, उसका भी बोंडा बन जाता था। नहीं, ब्रेड रोल की ब्रेड खत्म हो गई तब भी आलू बोंडा खाने को मिलता था फटाफट, 5 मिनट में आलू का मसाला बच गया, तो मम्मा बोलती थी कि मैं इसकी टिक्की बना दूँ। नहीं मम्मा, वो ना बोंडे बना दो, बोंडा खाना है, तो हम लोग इसको घर में बोंडा बोलते थे। हम लोग बटाटा बड़ा तो कभी नहीं बोलते, मतलब अभी भी घर में बटाटा बड़ा नहीं बोलते, इसको बोंडा ही बोलते हैं। इसका बोंडा नाम कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बोंडा नाम कहाँ से आया? मैं तो बचपन से बोंडा ही सुनती आ रही हूँ। आपकी मम्मी बोंडा बोलती थी? आलू बोंडा। अच्छा, मैं उसी स्टाइल में ही बना रही हूँ। तो हमारी मम्मा भी बोंडा बोलती, तो हम भी बोंडा ही बोलते थे। बटाटा बड़ा भी बोल रहे हैं, आलू बोंडा भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह पे। क्रिस्पी सूजी के पकौड़े, मेरे फेवरेट पकौड़े। बटाटा बड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अभी तो देखता हूँ तो मेरे को बड़ा पाव ही याद आता है। आके खा लेना भाई, तो कल खा लूँगा। हमने ब्रेड भी मंगा ली है और हमने रोटी भी बना ली है, हमें वैसे ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये तो पापा रोटी के साथ खाते हैं ना। ये आप लोगों का डिनर है आज, थोड़ा कल खाएंगे, बाकी मैं रख दूंगी मसाला इसका, सूजी का। सुनने में आज आप बटाटा बड़ा खाओगे? बटाटा बड़ा नहीं, क्या खाओगे? ओ, आज बन रहे सूजी के पकौड़े। और वो बन रहा है आलू बोंडा। आलू बोंडा, आलू बोंडा खाओगे आज आप? बटाटा बड़ा तो उधर बोलते हैं। हम तो बचपन से आलू बोंडा ही बोलते हैं, बोलते हैं उधर बटाटा बड़ा। बटाटा मीन्स आलू, बड़ा मीन्स पकौड़ा, बटाटा बड़ा आलू बोंडा, एक ही बात है। एक ही बात है, जैसे तन में और ट्रैवलिंग बाजी, तन में और वेजी बाजी, yes. तन में और कुकिंग बाजी। चलो जी, आप खाओ, एंजॉय योर डिनर। अभी जा रहे हो खेलने? असी जा रहे हैं खेलने। शाटा वाटा वगैरह भी करना। ओके जी, बाय बाय। एक को टिक्कियां खानी शुरू कर फिर से, तब जीतेगा। टिक्कियां खानी शुरू कर।
me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.